चैनल आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल सो मेरा नाम है अंशिका और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक मेकअप लुक वो भी इस साड़ी के ऊपर एंड दिस इज़ वेरी मतलब पुरानी साड़ी है आई थिंक ये जब मेरी मम्मी थी आई थी अपने लाइक आई थिंक मैरिज हुई थी उनकी उस समय तो उस समय की साड़ी में है तो मैंने सोचा इसमें हम एक मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं तो ये वाली वो साड़ी है दिस इज नेट वाली साड़ी पहले बहुत नेट वाली साड़ी चलती थी कौआ क्यों चिल्ला रहा यार मेकअप लुक करने वाली है एंड चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग और टाइम और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे को वीडियो को जरूर लाइक करना एंड चलो फर्स यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ टोनर एंड ये गुलाब जल ही है नॉर्मल गुलाब जल एंड एंड डाबर का है ये एंड मैं वही वाला यूज कर रही हूँ फर्स्ट तो उसके बाद यहां पे मैं मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूं एंड दिस इज निव्या सॉफ्ट मॉइस्चराइजर एंड मैं इसको यूज करूंगी उसके बाद मैं यहाँ पे एलोवेरा जल लगाने वाली हूं सो so नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ब्लू हेवन का फाउंडेशन एंड ये बहुत लाइट वेट फाउंडेशन है लाइक like इससे ज़्यादा लाइट तो मैंने अभी फाउंडेशन नहीं देखा होगा भाई ये कवरेज भी नहीं करता है <laughs> लेकिन अच्छी है ये फाउंडेशन लाइक एवरीडे बेसिस के लिए ये तो बहुत सही है तो हम ये वाला यूज़ करने वाले हैं फाउंडेशन एंड अभी मुझे बहुत ज़्यादा अपीम्बुल है तो इगन और अभी मतलब तो पिंपल के लिए बहुत बहुत बोला जाता है कि भाई मैं मेकअप करती हूँ इसकी वजह से मुझे पिंपल होते हैं इतने होते हैं ये होता है वो होता है मतलब मेरी मेरे पिंपल के पीछे मेरे बहुत सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं कि मैं यूट्यूब बनाती हूँ इसकी वजह से मुझे पिम्पल्स होते हैं नेचुरल है भाई सबको आता है एज एज के हिसाब से आता है और चला भी जाता है इसमें कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है और मैं कभी नहीं टेंशन लेती हूँ कोई भी पिंपल्स के बारे में आएगा चला जाएगा इट्स ओके आई एम फाइन विद एट भाई नेचुरल प्रोसेस है आएगा और जाएगा ओके okay, तो so फिर उसके बाद यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं कंसीलर तो यहाँ पे मैं ब्लू हेवन का ही कंसीलर यूज़ करूँगी एंड आई लव दिस कंसीलर क्योंकि ये मेरे को अच्छी कवरेज देता है तो मैं ये इसी को यूज़ करती हूँ हमने अपना कंसीलर लगा लिया अभी अब ब्लेंडिंग विद दिस ब्यूटी ब्लेंडर पाउडर यूज कर सकते हैं अगर आपके पास लूस पाउडर नहीं है यू कैन यूज इवन नॉर्मल पाउडर क्योंकि मैंने यूज़ करके देखा है मेरे को तो तो ठीक लगता है है मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं यही यूज़ तो okay, so लेने वाली हूँ अपना आई शेडो तो आई बी क्रिएटिंग वाली हूँ फर्स्ट ये वाली शेड यूज करने वाली हूँ ये वाली शेड यूज करूंगी इधर से इधर बहुत कम मतलब बहुत लाइट से यूज करने वाली हूँ ये कवा तो परेशान कर दिया यार इसको ब्लेंड करूंगी इधर से मतलब इसको कुछ इस तरह आपको भी ऐसे ही करना है एंड मैं उधर यूज करने वाली हूँ ये वाला शेड ओके वेरी लाइट ब्लश तो यहाँ पे मैं पिंक शेड का ही ब्रश यूज करने वाली हूँ सो आई दिस लाइक इसमें का ब्लश यूज करूंगी एंड दिस इज वेरी लाइट एंड मेरे को ब्लश उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता बट आई यूज हल्का सा ब्लश अच्छा लगता है So, here, next, क्या? क्या तो ये नेक्स्ट आई एम यूजिंग दिस वन क्या पहन के जाइए तो सिर्फ काजल करना है okay. हमारे यहाँ पे आईलाइनर कंप्लीट हुआ नेक्स्ट आई एम यूजिंग मस्कारा तो ये आप आईशैडोस भी डाल सकते हो अगर आप चाहो तो लाइक बट आई एम यूजिंग दिस मेरे को काजल काजले लग गया ब्रो <laughs> मैंने काजल यूज नहीं किया लगाया क्लियर स्किन जिस जाएगा क्रिसमस पे बात खोल के जाएगी। क्यों तू इतना सब कुछ पूछ रही है। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाइलेटर यूज करने वाली हूँ, सो आई बी यूजिंग दिस वन हाइलेटर। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट फर्स्ट अपनी लिप्स को आउटलाइन करूंगी एंड देन मैं उसको फिल